गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फ्रीज मैग्नेट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, देखिए, क्विलिंग नीडल, एक कार्डबोर्ड, मैग्नेट, कुछ कलरफुल शीट्स, सीजर और ग्लू। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया। देखिए, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया हमने, उसके ऊपर इस तरह से कोई भी गोल चीज रखेंगे और ऊपर से इसको ऐसे गोलाई दे देंगे इस तरह से। और इसकी हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर दी है। अब देखिए, अब हम कलर शीट्स लेंगे। देखिए, ऑरेंज कलर की शीट ले रही हूँ। इस तरह से इसमें से स्ट्रिप निकालेंगे। इस तरह से, और इसको हम रोल करेंगे। क्विलिंग नीडल की हेल्प से इसको रोल कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको रोल करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लूज कर लेते हैं इस तरह से, और ग्लू लगाएंगे। इस तरह से देखिए इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से पकड़ना है और सेमी सर्कल की शेप में इसको इस तरह से दबाना है। अब देखिए इसको हम यहाँ नीचे से इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है। देखिए, नीचे से मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइन लगाई है, तो हम इसमें भी इस तरह से 6 या फिर 5 लाइंस लगा लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से नीचे की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने 4 लाइंस लगाई हैं और इसमें हमने 6 लाइंस, ये हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है और ये थोड़ा सा हम इससे छोटा बना रहे हैं। अब हम ये वाली डिजाइनिंग करेंगे। इसके लिए देखिए, इस तरह से मैंने एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप ली, इस तरह से इसको रोल कर लिया। आप इस तरह से 2-3 कलर की स्ट्रिप्स आपस में पेस्ट करके कलरफुल भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे येलो कलर की स्ट्रिप पेस्ट कर दी, फिर रेड कलर की कर दी। इस तरह से आप 2-3 शेड भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किए हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे सिंगल कलर ही यूज कर रही हूँ। इस तरह से हम पेपर की गोलियाँ बनाकर यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से पूरी बाउंड्री हम कंप्लीट करेंगे। पूरी बाउंड्री हमने कंप्लीट करनी है। देखिए, हमने बाहर वाली डिजाइनिंग कर ली है। अब देखिए हम रैबिट का फेस बनाएंगे। उसके लिए हमने ये ग्रे कलर की स्ट्रिप्स ली हैं। ये हमने 10 स्ट्रिप्स को इकट्ठा जोड़ लिया है और एक लंबी स्ट्रिप बना ली है। अब हम इसको रोल करेंगे। देखिए, हमने फेस के लिए रोल बना लिया है। ये हमने 10 स्ट्रिप्स का बनाया है। अब हम देखिए एक कार्डबोर्ड लेंगे। इस तरह से छोटा सा टुकड़ा कार्डबोर्ड का लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने 2 टुकड़े लिए हैं, इनको आपस में पेस्ट करेंगे इस तरह
यहाँ से, और इसके ऊपर ये हम ग्रे पेपर थोड़ा सा कटिंग करके पेस्ट करेंगे इस तरह से। देखिए इस टुकड़े को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस सर्कल के नीचे भी हम एक पेपर लगा लेंगे इस तरह से। और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और रैबिट के फेस को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे रैबिट का फेस आएगा इस तरह। देखिए हमने इस तरह से फेस पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके ईयर्स बनाएंगे। ईयर्स के लिए देखिए मैंने एक लंबी स्ट्रिप पिंक कलर की ली है और दो मैंने ग्रे कलर की स्ट्रिप्स को आपस में पेस्ट किया है, तो इसको भी रोल कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से ये रोल कर लिया है। इसको अब हम ईयर्स की शेप में इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से पीछे हम पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरा ईयर भी रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने दूसरा ईयर भी बना लिया है। इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से देखिए पेस्ट करेंगे इस तरह से। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से सीधा भी इसको रख सकते हैं इस तरह। अब देखिए हम रैबिट के चिक्स बनाएंगे। इसके लिए एक हमने पिंक स्ट्रिप ली है और दो हमने ऑफ वाइट स्ट्रिप्स ली हैं। इनको भी हम रोल कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इनको भी रोल करेंगे देखिए एक चिक्स हमने बना ली है। ऐसे ही हम दूसरी भी रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों चिक्स रेडी हो गई हैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए अब हम एक रेड स्ट्रिप लेंगे इस तरह से। देखिए एक रेड स्ट्रिप ली है, इसको भी हम रोल करेंगे। देखिए हमने एक रेड स्ट्रिप रोल कर ली है। अब हमने देखिए एक वाइट कलर का छोटा सा टुकड़ा लिया है, इस तरह से इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे और यहाँ पे इसको टीथ की शेप देंगे थोड़ी सी गोलाई में इस तरह से, इस तरह से। देखिए हमने टीथ की शेप दे दी है और इस रेड गोली को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब हम इसकी आईज बनाएंगे। आईज के लिए देखिए मैंने वाइट और ब्लैक स्ट्रिप ली है। ब्लैक हमने छोटी सी ही ली है और वाइट हमने थोड़ी सी बड़ी ली है। इसको भी हम रोल कर लेते हैं। ब्लैक स्ट्रिप हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, इसको भी रोल करेंगे। देखिए हमने दोनों आईज बना ली हैं। अब हम इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से। देखिए हमने आईज पेस्ट कर ली हैं। अब हम कैरेट बनाएंगे।
कैरेट के लिए मैंने एक ऑरेंज और एक रेड स्ट्रिप पेस्ट की है, इसको भी रोल कर लेते हैं। देखिए हमने रोल कर लिया है, इसको हमने थोड़ा सा लूज रखा है और इसको अब हम इस तरह से देखिए शेप देंगे, इस तरह से। इसके साथ अब हम लीव्स बना लेते हैं। लीव्स के लिए देखिए मैंने ग्रीन स्ट्रिप ली है, इसको भी रोल करेंगे। देखिए इस तरह से हमने रोल कर लिया है और इसको हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में दबाएंगे और इस तरह से ही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे हम दो लीव्स बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसके साथ हम लीव्स अटैच कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कैरेट पेस्ट कर दी है। अब हम पीछे की साइड मैग्नेट पेस्ट करेंगे। देखिए मैग्नेट पेस्ट करने के लिए आप कोई भी सिलिकॉन ग्लू ले लीजिए, जैसे कि फेविक्विक होती है या फ्लेक्स क्विक, तो इस तरह से हम मैग्नेट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से मैग्नेट पेस्ट कर ली है, फ्रिज मैग्नेट रेडी हो गई है। तो आप भी अपने लिए इस तरह से डिजाइनर सी मैग्नेट बनाइए। थैंक यू।